साथियों, जुलाई 2005 की घटना है। पहली मीटिंग देखने के बाद मेरी रातों की नींद उड़ गई, भूख प्यास पता नहीं कहां गायब हो गया। बहुत सारे लोग को लगेगा कि यार ये कहानियां फिल्मों में ऐसी होती है, बनावटी बातें। आपने देखा होगा पहली बार किसी हीरो को हीरोइन से प्यार हो जाता है तो क्या क्या होता है। भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती और क्या क्या होता है। तो मैं जब फिल्म में सब चीजें देखा करता था तो मुझे लगता था कि यार ऐसा कुछ थोड़ी होता होगा, ये सब ऐसे ही झूठ मूठ दिखाते हैं, क्योंकि जिंदगी में मैंने कभी प्यार व्यार किया नहीं, फैक्ट में बता रहा हूं। तो कहते ना कि जब तक किसी चीज को आप फील नहीं करेंगे ना, तब तक वो चीजें आपको बनावटी लगेगी। तो मुझे भी फिल्मों में बातें बनावटी लगा करता था, मुझे लगता था कि यार ये सब ऐसे होता नहीं, सब ऐसे ही बनावटी है। बट रियल में बता रहा हूं, फर्स्ट टाइम मैंने जिंदगी में सिर्फ एक बार प्यार किया है और वो आसिम से किया है, ओनली एंड ओनली आसिम। और तब मुझे एहसास हुआ कि व्हाट इज द पावर ऑफ लव। सच में वो दिखाते ना, वो सही दिखाते थे, गलत नहीं दिखाते थे। ये चीज फील किया मैं आरसीएम में आने के बाद। भाई साहब मैं क्या बताऊं, आई डोंट हैव वर्ड टू एक्सप्लेन माय फीलिंग व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम। और आज तक द सेम थिंग इज हैपनिंग विथ मी, जरा सा भी कम नहीं हुआ है। कहते ना कि प्यार जिंदगी में एक ही बार होता है, बार बार थोड़ी होता है। और एक बार जो प्यार करता है और अपने प्यार पे अपने आप को मर मिटाता है ना, जिंदगी में बाहर ही बाहर आ जाते हैं। हर दिन उसके लिए जन्नत है। सुजीत कुमार सिंह जी से मिलने के बाद इस बिजनेस को मैंने समझा, इसकी बारीकी को मैंने समझा, इसकी डेप्थ को मैंने समझा, एंड व्हाट इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, इस चीज को मैंने समझा और लगातार मैं सीखने लग गया। कहते ना कि एक गाना है ना, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और हद से गुजर जाना। तो मेरे साथ भी कुछ वैसा ही हुआ, धीरे धीरे आरसीएम से नजदीकियां बढ़ने लगी और इतनी नजदीकियां बढ़ गई कि शायद यूनियन बैंक मुझे एहसास होने लगा कि आई एम नॉट गोइंग टू सर्वाइव इन यूनियन बैंक। एहसास हो गया, फील हो गया। देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे डी कुमार जी आपका पैसा आने लगा होगा इसलिए छोड़ दिए होंगे। नहीं मेरे भाई, बिल्कुल नहीं। इन सब चीजों को सिर्फ फील किया जा सकता है, मेरे बोलने से आपको समझ में नहीं आएगी बात। फीलिंग एक अलग चीज होती है, उसको वर्ड से एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। फीलिंग को समझने का एक ही तरीका है, उस जगह पे पहुंच जाओ, उस जगह पे अपने आप को रख दो। मैंने शुरुआत किया यूनियन बैंक में पार्ट टाइम में जॉब करते हुए। ऐसा नहीं था कि मैंने फर्स्ट डे डिसाइड कर लिया कि नौकरी क्विट कर जाना है, नो नॉट एट ऑल। मैंने 2 साल पार्ट टाइम किया और पार्ट टाइम किया उस टाइम में, मैंने जुलाई में स्टार्ट किया। मुझे आज भी डेट याद है, 26 जुलाई को मैंने इस बिजनेस को पहली बार सुजीत सर से मिलने के बाद, मैं फैक्ट बता रहा हूं आज, इसलिए मैं उनको बहुत ज्यादा मानता हूं। आज मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है परम आदरणीय सुजीत सर की देन है। मेरी क्या औकात थी यार, मेरी क्या हैसियत थी, मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग ऑटो चला रहे हैं, ठेला चला रहे हैं मार्केट, मेरी कोई औकात नहीं थी। आज मैं जो कुछ भी हूं सुजीत कुमार सिंह जी की देन। एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए। बिग हैंड। कहते ना कि जिस व्यक्ति ने आपको रास्ता दिखा दिया, जिसने दुनिया दिखा दिया, वो आपके लिए कुछ भी आप उसको बोलेंगे ना तो कम होगा। मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं बयां करूं कि वो मेरे लिए क्या है। मैंने डिसीजन लिया, इसमें काम करना शुरू किया। दुनिया ने जैसा कि सबके साथ होता है, मेरे साथ भी लोगों ने कहा अरे ये सब फालतू काम है, इन सब चीजों में कोई करियर नहीं। और मैं रियल बता दूं, मैं बहरा आदमी मैं सुनता ही नहीं। बचपन में बाबूजी की नहीं सुनता था, स्कूल में टीचर्स की नहीं सुनता था, मैं मनमोजी आदमी हूं। जो मेरे अंदर से आवाज आती है मैं उसी को सुनता हूं। और ये बचपन से ही, कहते ना कि हैबिट इज द सेकंड नेचर ऑफ मैन, ये मेरी हैबिट रही है। ये कोई आरसी में नई चीज मेरे लिए नहीं थी। जब लोग कहते थे कि नहीं कर पाओगे ये सब फालतू काम है, तो मैं मुस्कुराता था, मुझे लगता था यार मैं सुन थोड़ी रहा हूं तू जो बोल रहा है। मेरे दिमाग में तो बस एक ही नशा चढ़ा हुआ था।
कि मुझे सुजीत कुमार सिंह बनना है। सुजीत सर उसमें इनरोल्ड थे, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा था, आई वॉज जस्ट ब्लाइंड, मैं अंधा हो गया था, मैं अपने घर का रास्ता भूल जाता था। जिस घर से आता जाता था रोज रास्ता ही भूल जाता था, पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कहां जा रहा हूं, किधर जा रहा हूं। नशा हो गया था, पागलपन हो गया था, सोते उठते जागते बस एक ही नशा था, और नशा था नहीं, आज भी है। कहते ना कि शुरू में आदमी नशा करता है तो क्या होता है, गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, होश ही में नहीं आता, दो दो दिन बेहोश में रहता है। तो वो स्थिति थी, अब थोड़ा सा मेच्योर हो गए। पहले दिन 26 जुलाई को स्टार्ट किया, मेरे सीनियर ने कहा कि धर्मेंद्र जी 5,000 का बिजनेस करना है। मैंने कहा सर क्या करना पड़ेगा, बोले 4 लोगों को ज्वाइन कराना हो। मैंने कहा बस 4 ही को, मैं धड़ पकड़ा, 4 को ज्वाइन करा दिया। फिर मेरे सीनियर ने बोला यार तुम तो, तुम्हारा तो 5,000 हो गया, अगर उन चारों का 5,000 हो जाए तो सोचो कैसा होगा। मैंने कहा क्या होगा, बोले सबका 5,000 होगा, 6 आएगा और अगले महीने से बड़े पॉजिटिव हो जाएंगे। मैंने उन पांचों को, उन 4 लोगों को पकड़ा और मैंने कहा यार आपके नीचे भी 4-4 डालना है। बोले कैसे होगा, मैंने कहा लोगों से मिलवाओ, मैं तैयार करता हूं। सर आप बिलीव नहीं करोगे, 4 दिन में मैंने 19,000 का बिजनेस किया, 19,996, 4 रुपये से मेरा 20,000 का स्लैब छूट गया। मेरे को पता ही नहीं था कि स्लैब होता क्या चीज है, पहले दिन पता नहीं चलता। और फिर भाई साहब मैं स्टार्ट हुआ। अगले महीने मेरे सीनियर ने पूछा कि यार टारगेट क्या है, मैंने कहा सर रॉयल्टी। तब तक मेरे को पता चल गया था रॉयल्टी क्या चीज होती। उन्होंने क्या बोले भाई आप सोचे हो, 4 दिन पहले 20,000 का बिजनेस और अगले महीने क्या बोलता है वो आदमी, रॉयल्टी। उन्होंने कहा यार मैं सुना नहीं क्या बोला, मैंने कहा रॉयल्टी। बोला यार फिर से बोलो, मैंने कहा सर रॉयल्टी। बोले पता है कितना होता है, करना पड़ता है। मैंने कहा सर कितना करना पड़ता है, बोले 4,65,000। मैंने कहा बस 4,65,000 तो करना है यार, आप ऐसी बात करते हो सर। अरे रोज मैं बैंक में 30,00,000 रुपया नोट गिनता हूँ, रोज गिनता हूँ भाई साहब, 4,65,000 क्या है यार, ऐसे चुटकी मारेंगे ना फूक देंगे उड़ जाएगा। देखो उस समय की बात बता रहा हूं, आप लोग पता नहीं कैसे सोच रहे होंगे, कैसे ले रहे होंगे। मेरे सीनियर ने कुछ कहा नहीं, कहा वेरी गुड, वेल एंड गुड, करके देखो। भाई साहब मेरी वाइफ का पैर में फ्रैक्चर हो गया। कहते ना कि इस बिजनेस में ना चैलेंज बहुत आते हैं, पहले कभी नहीं हुआ और मैंने टारगेट बनाया था रॉयल्टी की। बहरहाल फिर भी मैंने 40,000 का बिजनेस किया। 2 महीने बेल्ट पे रही वो, बैंक को भी देखना था, मैडम को भी देखना था, बेटा मेरा एक छोटा उस समय बहुत 4 साल का था उसको भी देखना था, बट दोज ऑल आर एक्सक्यूजेस। मैंने अपने सीनियर को कभी नहीं बताया कि मेरे पाँव में पाइप को फ्रैक्चर हो गया जिसकी वजह से मेरी रॉयल्टी रही। फिर अगले महीने पूछा धर्मेंद्र जी टारगेट क्या है, मैंने कहा सर रॉयल्टी। उन्होंने कहा छोटा टारगेट लो, मैंने कहा सर मेरी फितरत नहीं है मैं छोटा सोचना, नहीं हुआ। 4th महीने फिर बोला धर्मेंद्र जी टारगेट क्या है, मैंने कहा सर रॉयल्टी, नहीं हुआ। 5वें महीने फिर सोचा, उन्होंने कहा कि अरे यार छोटा सोचो ना यार, टारगेट छोटा लो, मैंने कहा सर रॉयल्टी, नहीं हुआ। 6वें महीने रॉयल्टी डन, पार्ट टाइम बैंक की नौकरी करते हुए। 6 बजे मैं ऑफिस से निकलता था, 12 बजे से पहले कभी घर नहीं जाता था। हाँ लोगों ने रॉयल्टी को पहाड़ बना दिया है यार, पहाड़ बना दिया है, पहाड़ पहाड़ बहुत मुश्किल है। अरे 4,65,000 तो करना है भाई साहब, आज से 18 साल पहले भी 4,65,000, आज भी 4,65,000। कमाल की चीज मैं बताऊं, आज तो होना चाहिए था कम से कम रॉयल्टी 14,00,000 पे, 4 गुना तो बढ़ना ही चाहिए था, 15-16,00,000 पे होना चाहिए था, बट आज भी रॉयल्टी 4,65,000 पे। उस समय न प्रोडक्ट था, न पीयूसी था, न डिपो था, न हेल्थ गार्ड था, न न्यूटी चार्ज था, न डायमंड क्लब था, क्या था मेरे भाई आप बताओ ना क्या था। बस एक ही चीज था जुनून, एक ही चीज था नशा, एक ही चीज था पागलपन, करना है करना है करना है। दुनिया कहती थी नहीं कर पाओगे, मैं कहता था यार मैं करके दिखाऊंगा, आई विल प्रूव माई सेल्फ, नहीं कैसे होगा, नहीं कायरो की डिक्शनरी में होता है,
जो बलि और महाबली होते हैं उनकी डिक्शनरी में कायर नहीं नहीं होता है। देखो मैं महाबली नहीं था बट आज मैं बोल रहा हूं ये बातें, बट उस टाइम में जब भी कोई कहता था कि नहीं कर पाओगे तो मेरे अंदर आग इतनी भयानक लगती थी कि मैं बता नहीं सकता। तो आज हम बात करने वाले हैं मिशन रॉयल्टी, मिशन 2000 रॉयल्टी। आज बीसी सर ने नारा दिया है 2000 रॉयल्टी, मैं आपको रियल बता रहा हूं, बहुत बड़ा नहीं है सर का नारा। बहुत सारे लोगों को लगता होगा 2000 रॉयल्टी होंगे, अरे साहब 2000 से ज्यादा रॉयल्टी होने वाले हैं। आप देख लीजिएगा जितने भी लोग हैं मेरी आवाज को सुन रहे हैं, इस सितंबर में निकलने वाला है भाई साहब 2000 प्लस जो सर ने लिखा है ना, वो प्लस में 3000 होगा, 2500 होगा, 4000 होगा, मुझे भी नहीं पता और सर भी नहीं जानते, क्योंकि हिंदुस्तान में पागलों की कमी नहीं है। हिंदुस्तान में बस जरूरत है ललकारने वालों की, जरूरत है रास्ता दिखाने वालों की, जरूरत है बीसी सर, केसी सर, सुरेंद्र वस जी, हमारे जितने भी कोर लीडर्स हैं, महावीर सारंग जी, जय नारायण जी, ऐसे ऐसे धुरंधर हैं कि मैं क्या बताऊं। तो बस हमें उनको फॉलो करना है, हमें उनको सुनना है और उनकी बातों को अपने जीवन में उतारना है। मैंने एक ही चीज सीखा है कि सोचने वाले लोग, चिंता करने वाले लोग कुछ नहीं कर पाते। बड़ी सोच का बड़ा जादू एक किताब है, डेविड जे स्वार्ट्ज उसके राइटर हैं, वो लिखते हैं कि चिंता इंसान को चीता तक ले जाती है, चिंता इंसान को चीता तक ले जाती है। बहुत सारे लोग चिंता में डूबे हैं, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, पता नहीं होगा, अरे अभी तक तो 10 तारीख हो गया, कुछ नहीं हुआ है। देखिए लाइफ में ना ये चिंता शब्द को निकाल दीजिए, कैसे होगा ये हमारा काम नहीं है सोचना, ये भगवान का काम है, परमपिता परमेश्वर का काम। अगर मैं भी सोचता ना कि कैसे होगा तो मैं नहीं कर पाता, मेरे दिमाग में सिर्फ एक शब्द गूंज रहा था, यहां चल रहा था, क्या करना है, 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 करना है। सोते उठते जागते टॉयलेट करते थे, ब्रश करते थे, करना है, नहाते थे करना है, सेविंग करते थे करना है, कैसे होगा मैंने कभी सोचा ही नहीं। और जितने भी कोर लीडर हैं उनसे पूछो आप, ये एक ही आवाज आएगी, करना है, हर हाल में करना है, इच्छा करे तो भी करना है, नहीं इच्छा करे तो भी करना है, हर हाल में करना है। अरे जिनके अंदर चलता है ना करना है, वो कुछ भी कर जाते हैं भाई साहब। और जिनके दिमाग में ये बात चलती है ना, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, उनका कभी नहीं होता जिंदगी में। बहुत बड़ा मंत्र देके जा रहा हूं, बस एक शब्द को अपने जीवन में धसा लेना मेरे दोस्त, करना है, हर हाल में करना है। 24 घंटे मेरे दिमाग में एक ही बात चलती है, करना है, चाहे वो कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा लेवल क्यों ना हो। ठीक है यार, स्थितियां परिस्थितियां होती है, इंसान लड़ता है, गिरता है, हारता है, लड़ता है, गिरता है, हारता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरे दिमाग में चलेगा कि यार बड़ा मुश्किल है। नो, मुश्किल होता तो सुरेंद्र बस कैसे डायमंड बन गए, मुश्किल होता तो मुकेश कुठारी जी कैसे स्टार सफायर कर गए, मुश्किल होता तो इतने सारे लोग कैसे कर गए, विजयपाल बिरोधिया जी कैसे कर गए, राकेश शर्मा जी कैसे कर गए, सुजीत कुमार सिंह कैसे कर गए, कैसे भाई साहब, उनके दिमाग में कैसे चल ही नहीं रहा था, उनके दिमाग में बस एक ही शब्द चल रहा था, करना है, हर हाल में करना है, कुछ भी हो जाए करना है, करना है, करना है, और इसी सितंबर में करना है, टुमारो नेवर कम्स, शेक्सपियर ने लिखा है, कल कभी नहीं आता। और जिंदगी में जो लोग कल 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 करते हैं ना, उनकी जिंदगी बीत जाती है। करना है, हर हाल में करना है, नहीं मन करे तो भी करना है, बुखार हो तो भी करना है, इच्छा करे तो भी करना है, डाउनलाइन कहे तो भी करना है, अपलाइन कहे तो भी करना है, कोई नहीं कहे तो भी करना है, हर हाल में करना है। मैंने जीवन में इस मंत्र को अपनाया है और आज मैं इस जगह पे खड़ा हूं। कभी आज तक मैंने सोचा ही नहीं, मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब बैंक का एग्जाम की तैयारी में कर रहा था, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने बीएसआरबी एग्जाम को क्वालिफाई किया था, 18 साल 3 महीना मेरी उम्र थी जब मैंने फॉर्म भरा था, और उस समय भी लोगों ने मेरे को मना किया, मेरे दोस्तों ने मना किया कि धर्मेंद्र अभी तुम्हारी उम्र नौकरी करने की नहीं है, पढ़ाई कर ले, ग्रेजुएशन कर ले,
लेकिन मेरे घर में पैसे की जरूरत थी, मेरे बाबूजी को पैसे की जरूरत थी, और भी भाई लोग पढ़ रहे थे, पांच भाई हम लोग हैं। मेरे दिमाग में बस चल रहा था कि करना है। दुनिया कह रही थी कि नहीं हो पाएगा, कंपटीशन है। 150 लड़के फॉर्म भरा था, 150 वैकेंसी थी, 17 लाख लड़के फॉर्म भरा था। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, 150 वैकेंसी थी, 150, एंड एप्लीकेंट कितने थे? 17 लाख। और मैं ग्रेजुएशन बीएससी पार्ट वन का स्टूडेंट था। मेरे दोस्त ने कहा कि यार ग्रेजुएशन कर, अभी मत सोच, पहली बार लोग परीक्षा देते हैं क्वेश्चन का पैटर्न देखने के लिए। मैंने कहा यार मैं पहली बार में ही क्रैक करूंगा, मुझे नौकरी चाहिए। अरे 150 वैकेंसी है धर्मिंदर, पागल हो क्या, 17 लाख लड़के हैं। मैंने कहा यार 17 लाख लड़के हैं, 150 वैकेंसी से मुझे क्या मतलब यार, मेरे को तो एक चाहिए, 149 तो फालतू है। क्या करेंगे 150 लेके, 1500 हो, 1.5 लाख हो, हमें तो एक ही चाहिए ना। मैंने कहा बेटा डायलॉग तो अच्छा है, परीक्षा दे समझ में आ जाएगा। मैंने कहा 100 में 100 ही होगा ना, 101 पे तो नहीं होगा ना। बोला तू 100 में 100 कर लेगा? मैंने कहा बिल्कुल कर लेंगे भाई साहब। 6 महीने में भूल गया इस धरती पर मैं हूं, दिन होती है रात होती है मैंने भूल गया, रात का खाना मैंने छोड़ दिया, कुर्सी टेबल पे बैठ के पूरी पूरी रात मैंने प्रैक्टिस सेट लेके प्रैक्टिस करने लगा, घड़ी रख के, टाइम रख कर 6 महीने पागलों जैसा पढ़ा। पहली बार रिटेन क्वालिफाई किए, दोस्त ने कहा इंटरव्यू में छट जाएगा, मैंने कहा हनुमान जी पे लड्डू चढ़ा। फाइनल सिलेक्शन हुआ। व्हाट आई वांट टू गिव यू मैसेज, जिंदगी उन्हीं की है ना जो ठान लेते हैं, और ठान लेंगे ना तो ये रॉयल्टी क्या चीज है जी, 100 लोगों को 5000 परचेज वॉल्यूम कराना है, ओनली 5000, 100 पीपल लिस्ट बनाइए। यहां पे कौन ऐसा आदमी है जिसके 200-300 लोग उनके मोबाइल में नंबर ना हो, चेक कर लीजिए आप, आपके दोस्त रिश्तेदार परिचित सबके पास जाइए, सूट टाई पहन के जाइए, हवाई चप्पल पहन के मत जाना, थोड़ा बन ठन के जाइए, लगना चाहिए कि हाँ यार ये बंदा इज डूइंग समथिंग, कुछ कर रहा है ये, कुछ बड़ा करने वाला है ये, स्प्रे उस्प्रे डीओ को मार के जाइए, थोड़ा लगना चाहिए यार यू आर डूइंग समथिंग। हम लोग हवाई चप्पल पहन के चले जाते हैं, ए भैया आरसीएम करना है जुड़ जाओ ना, सामने वाला भगा देता है। डीसी सर कहते हैं कि रॉयल्टी अचीवर बन के जाओ ना, अमीर बन के जाओ ना लोगों के पास, लेकिन हमारी तो चरित्र में गरीबी घुसी हुई है, हमारी चरित्र में, हमारा स्वभाव में पता नहीं क्या क्या है, आई डोंट नो, बट ये तो फैक्ट है कि जिस दिन आप जो बनना चाहते हैं ना, अपने आप को मान लीजिए, मान लीजिए कि आप रॉयल्टी अचीवर हैं, और जाइए लोगों से मिलिए, मत कहिए जुड़ने की बात, सिर्फ हाथ जोड़ के बोलिए कि भैया बहुत बड़ा मेरा गोल है, मेरा सपना है, मेरा लक्ष्य है, आपकी मदद चाहिए। मैंने एक बुक्स में पढ़ी थी कि मदद मांगनी चाहिए, लेकिन याद रखिए कमजोर लोग जो मांगते हैं ना वो भीख होता है, मदद मांगने के लिए मजबूत बनना पड़ेगा। कमजोर का मतलब हवाई चप्पल बन के मत जाइए, लोगों को दया आएगी आपके ऊपर, तरस आएगा, और वो कभी नहीं करेगा आपकी मदद, याद रखना। कमजोर की मदद इस दुनिया में कोई नहीं करता, गलतफहमी मत रहना मेरे दोस्त, मजबूत बन के जाइए, सूट टाई पहन के जाइए, डीओ लगा के जाइए, अमीर बन के जाइए, और जिसके पास जाएंगे ना, और जब कहेंगे ना कि भैया इस महीने मेरा बहुत बड़ा सपना है, बहुत बड़ा गोल है, आपकी मदद चाहिए, हाथ जोड़ के मांगोगे ना, सामने वाला पता है क्या सोचेगा, उसके दिमाग में आएगा कि यार ये लड़का बहुत आगे जाने वाला है, ये बहुत आगे जाएगा, आज इसकी मदद कर देंगे ना तो कल किसी न किसी मोड़ पे ये काम जरूर आएगा। आप करके देखो, गारंटी बताता हूं, लाइए 100%, 101% लिख के दे देता हूं, आपकी रॉयल्टी डन होगी। लेकिन तरीका जो मैं बता रहा हूं, तरीका आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अमेरिका में एक व्यक्ति था, बहुत गरीब था, उसके दिमाग में आ गया, धार्मिक व्यक्ति था वो, मैं नाम याद नहीं आ रहा, उसके माइंड में आया कि मुझे एक चर्च बनवाना है, और चर्च कितना बड़ा, अमेरिका का सबसे बड़ा चर्च। कमाल की चीज थी कि उसके पास
दो टाइम के खाने के उसके पास साधन नहीं थे, कपड़ा ठीक नहीं पहना था। एक पादरी के पास गया और बोला कि मेरे दिमाग में ऐसे ऐसा ख्यालात आ रहा है। पादरी ने कहा कि ख्यालात तो बहुत अच्छे हैं, बनाओगे कैसे? अमेरिका का सबसे बड़ा चर्च। बोला लोगों से पैसा ले लेंगे, उनसे मदद मांगेंगे। उस पादरी ने कहा कि बेटा ख्यालात तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन तुम्हारी जो हुलिया और हालात है ना, तुम्हें कोई एक फूटी कोड़ी नहीं देने वाला। तो क्या करना पड़ेगा? बोले हुलिया और हालात को बदलना पड़ेगा। तुम कर सकते हो, नथिंग इज इम्पॉसिबल। क्या करना पड़ेगा? बोले हुलिया और हालात बदल। बोले पैसा तो है नहीं। बोला चिंता मत कर, मैं मदद करता हूं, मैं तेरे को बताता हूं अमीर कहां कहां है, कितने लोगों की अमीरों की लिस्ट है, बहुत है हमारे पास, उन सब के पास जाओ, मदद मांगो। लेकिन हुलिया और हालात बदल गए। और कमाल की चीज है, बात बता रहा हूं, उस इंसान ने ठान लिया कि मुझे अमेरिका की सबसे बड़ी चर्च का निर्माण करना है, और उस व्यक्ति ने अपने हुलिया और हालात बदला, पादरी जैसा अपना वेशभूषा लाया और लोगों के आंखों में आंखें डालकर उसने कहा कि मैं अमेरिका का सबसे बड़ा चर्च बनाने जा रहा हूं, मुझे आपकी मदद चाहिए। लोग पूछते थे कितना मदद चाहिए, इसने बोला $10,000। सामने वाले ने $10,000 का चेक काट के दिया। फिर उसके अगले व्यक्ति के पास गया, पादरी के लिस्ट पे काम किया, और उस अगले व्यक्ति के पास गया और उसने पूछा बताओ कितना चाहिए। इसने सोचा कि यार पिछले से कम मांगे थे, इससे थोड़ा ज्यादा मांग लेते हैं। उसने कहा $20,000। $20,000 का चेक मिला। फिर उसके दिमाग में आया कि यार मैं $20,000 ही क्यों मांग रहा हूं, मुझे तो $1,00,000 मांगना चाहिए। और कमाल की बात है, उसने इतना पैसा इकट्ठा किया, इतना पैसा इकट्ठा किया, उसका उद्देश्य सही था, इरादे नेक थे, इरादा गलत नहीं था, और अमेरिका का सबसे बड़ा चर्च बनवाया उसने, और उस चर्च में उसकी एक फूटी कौड़ी नहीं थी। कमाल की चीज मैं बता रहा हूं। उसके पास था ही नहीं, वो लगाएगा कहां से, लेकिन उसके इरादे नेक थे, उसकी नीयत अच्छी थी, उसकी सोच अच्छी थी, और इसीलिए अमेरिका का सबसे बड़ा चर्च का निर्माण हुआ। क्या मैसेज है दोस्तों, उसमें राइटर लिखता है मदद मांगनी चाहिए। हमारे वाराणसी के अंदर BHU है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, नाम सुना है? थोड़ा यस नो ऐसे ऐसे करके बता देंगे तो थोड़ा हमें भी लगेगा कि आप सुन रहे हैं मेरी बात, राइट? BHU वाराणसी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रचयिता के निर्माता पंडित मदन मोहन मालवीय, उनकी जीवनी पढ़िए, उनके पास कुछ नहीं था, उनके दिमाग में एक विचार आया कि हमारे बनारस में एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें विदेशों से बच्चे आए पढ़ने के लिए। उनके पास पैसे नहीं थे, उनके पास एक विचार था, और विचार बहुत नेक विचार था, पवित्र उद्देश्य था। उन्होंने अपने जीवन का मकसद बनाया, उन्होंने अपने परिवार के साथ डिस्कस किया, अपनी पत्नी के साथ बताया, अपने बच्चों के साथ बताया, पड़ोस के साथ बताया, रिश्तेदारों के साथ बताया, सभी ने उनकी हंसी उड़ाई। अरे फूटी कौड़ी ने यूनिवर्सिटी बनाएगा। लेकिन उनकी नियति अच्छी थी। आज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जब भी आइए बनारस तो जरूर जाइए, पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा लगी हुई है। इतनी विशाल यूनिवर्सिटी का निर्माण किया है दोस्तों कि मैं गारंटी बताता हूं, आप पैदल चलोगे ना तो एक हफ्ते तक चलते चलते थक जाओगे, पैर दर्द करने लगेगा, घूम नहीं पाओगे। अरे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, मदद मांग करके लोगों ने बड़े बड़े कारनामे किए हैं भाई साहब, और आप 4,65,000 रॉयल्टी की बात करते हो। देखो तो सही, अपने लोगों के पास जाओ तो सही, लेकिन हम तो घर ही में बैठे बैठे ना सब सोच लेते हैं ना, अरे वो तो बेकार आदमी है, अरे वो तो हमें देखना ही नहीं चाहता, अरे वो तो फोन ही नहीं उठाता, अरे वो तो निगेटिव है। क्या क्या बोलते हैं भगवान मालिक। मैं आपसे आह्वान करता हूं कि आपको अगर रॉयल्टी अचीवर इसी सितंबर में बनना है, और क्यों बनना है ये मैं बताने वाला नहीं हूं क्योंकि बहुत सारी बातें बताई जा चुकी है, कोई मतलब नहीं है क्यों बनना है, सबको पता है क्यों बनना है, मिशन एनिवर्सरी है, सितंबर है, सब पता है,
मैं आज आपको बस तरीका देने आया हूं, मदद लेने वाला बनी। ये पूरा व्यापार इसी पे टिका हुआ है, अपलाइन की मदद, डाउनलाइन की मदद, पड़ोसी की मदद। मत जुड़ने की बात मत करिए, आप जाइए तो सही, उनसे सिर्फ मिलिए तो सही, और उनसे सिर्फ एक बात कहिए कि हमें आपकी मदद चाहिए, क्या कर सकते हैं आप बताइए। तो खुद बोलेंगे बोलो क्या करना है। उनको बताइए कि सर हमारी कंपनी में एक डायमंड क्लब की व्यवस्था है, उस क्लब में आपको 5000 परचेज वॉल्यूम सेल्फ आईडी पे करना है, 2-3 महीने का राशन खरीद लेना है, गामा के बारे में बता दीजिए, न्यूट्रिशन के बारे में बता दीजिए, और बहुत ज्यादा मत बताइए, ज्यादा बताने से बात बनती नहीं है, बिगड़ जाती है। मत बोलिए कि आईडी लगा लीजिए, बहुत लोग कहते हैं कि सर आईडी लगा लीजिए, अरे कुछ छूट दे दीजिए अपनी तरफ से, सेल्फ आईडी पे मार दीजिए, किसी डाउनलाइन के आईडी पे मार दीजिए, जोड़ा जोड़ी वाला काम भूल जाइए। अभी सिर्फ बिजनेस वॉल्यूम, परचेज वॉल्यूम पे फोकस होना चाहिए, रॉयल्टी पे फोकस होना चाहिए। तो दोस्तों मुश्किल कुछ नहीं है, बस जरूरत है आपके अंदर पागलपन, आपके अंदर तड़प, आपके अंदर बर्निंग डिजायर, ये कितना है, इसका पैरामीटर कितना है, इस बात पे निर्भर करता है आपकी सफलता। और देखिए मैं एक ही चीज जानता हूं, यही काम अगर आप अगले महीने करेंगे, यही काम उसके अगले के अगले महीने करेंगे, काम तो दोनों सेम है, रॉयल्टी तब भी मिलेगी, पिन मिलेगा, सेलिब्रेशन होगा, सब कुछ होगा, लेकिन ये जो कंपनी 23वीं सालगिरह मना रही है ना, ये कंपनी एक ही बार मनाती है, यूएस एक ही बार सेलिब्रेट करती है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश होने वाली है। मैं यूएस की मीटिंग में बैठता हूं, इतनी सारी प्लानिंगें चल रही है कि मैं क्या बताऊं, बहुत सारी चीजें नहीं बताया जाता है, बोलना मना है, लेकिन बस इतना जरूर कहूंगा, मौका है, अवसर है, अगले 20 दिन और अगले 20 रात भूल जाइए कि आपका वजूद क्या है, भूल जाइए कि आप कौन हैं, भूल जाइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, किस कैटेगरी से आते हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, क्या हैं, बहुत सारी चीजों को लेके हम ना ढोते रहते हैं, हम तो तोप सिंह हैं, हम तो तुर्रम खां हैं, हम तो बहुत बड़े अधिकारी हैं बैंक में, हम तो बहुत बड़े पता नहीं क्या है, अरे ये सब बन के आरसीएम करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, इन सबको साइड कर दीजिए। यूनियन बैंक में मैं था ना, मैं भूल गया कि मैं यूनियन बैंक में हूं, मेरे से कोई पूछता है ना आज भी पूछता है सर क्या करते हो, हालांकि उस समय तो मैं जॉब करते हुए करता था, मैंने कभी यूनियन बैंक का नाम नहीं लिया। आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा ना कि बैंक वाले थे ना, जिसको बोलते होंगे लोग जुड़ जाता होगा, अरे भाई साहब दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है इतना आगे निकल चुकी है ना, मैं नहीं बताता था क्योंकि मुझे पता था कि अगर जान जाएगा सामने वाला ना, तो उसका दिमाग वैसे ही चलेगा जैसे आपका चल रहा है कॉमन मैन एक ही जैसा सोचता है, आम आदमी की सोचने का तरीका बिल्कुल एक जैसा होता है, और इसीलिए मैं नहीं बताता था। तो लाइफ में ना हमेशा याद रखिए, अपॉर्चुनिटी को समझिए, अपॉर्चुनिटी को देखिए, सोचिए और अमीर बनिए, नेपोलियन हिल की किताब है, उसकी एक लाइन ने मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया। क्या लिखते हैं नेपोलियन हिल, उन्होंने लिखा है अवसर समस्याओं की चादर में लिपटी होती है, नोट करिए इस लाइन को, अवसर समस्याओं की चादर में लिपटी होती है। आपको जितनी बड़ी समस्या नजर आ रही है ना, समझ लीजिए, सॉरी थोड़ी लाइट चली गई है, जितनी बड़ी समस्या आपको दिख रही है ना आज की डेट में, समझ जाइए उतना ही बड़ा अवसर है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अवसर अपॉर्चुनिटी समस्याओं की चादर में लिपटी होती है। आप अवसर पकड़ने जाएंगे ना तो हाथ में समस्या आएगा, याद रखना मेरे दोस्त, और जब जब समस्या आए ना ऊपर वाले को धन्यवाद देना, समझ जाना कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। इस एक लाइन को मैंने ऐसा रट्टा मारा ना कि जब जब समस्या आती थी ना तो मैं अपने आप से बातें करता था और अपने आप से एक ही बात बोलता था, अवसर है बेटा पकड़ ले, यही अवसर है। दुनिया को समस्या नजर आती है, मेरे को अवसर नजर आता है। तो ये बहुत कमाल का लाइन है। तो आपके सामने आज जो भी चैलेंज है, जो भी समस्या आ रही है, ये समझ जाना कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है। ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं, समस्या देख के हार मान लेते हैं, ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि यार मेरे बस का रोग नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा,
दो चार लोगों से मिलते हैं, दो चार लोग मना कर देते हैं, घर में आके हम बैठ जाते हैं। नहीं, जिंदगी में जिसने हार मान लिया उसकी जीते जी मौत हो जाती है, जिंदा लाश बन के ऐसे लोग जिंदगी को काटते हैं घिसट घिसट के। हार मत मान, नेवर नेवर गिव अप, हार मत मान। मेरी डिक्शनरी में हार शब्द नहीं है, मैं हारने के लिए पैदा नहीं हुआ। और आप कमाल की चीज में बताऊं, जब जब जिस जिस को दिल से मैंने माना है ना, सोचा है ना, वो हुआ है। आप भी मान लो, मान लीजिए कि आपकी रॉयल्टी होने जा रही है, समस्या मत देखिए, अपॉर्चुनिटी को देखिए। मिशन 2000 प्लस रॉयल्टी में अपना नाम लिखवाइए। पहली बार 18 साल के कैरियर में इस तरह के प्रोग्राम होता हुआ मैंने देखा है आरसीएम में, पहली बार। हम लोग के टाइम में तो ये सब था ही नहीं यार। जब पहली बार मैं आरसीएम में आया था तो न तो सेलिब्रेशन की बात होती थी, न तो उस समय एनिवर्सरी की बात होती थी। हाँ, मेरे सीनियर ने एक बात जरूर कही थी कि धर्मेंद्र जी, अगर आप रॉयल्टी करोगे तो आपको ट्रॉफी मिलेगी। जिंदगी में पहले कभी ट्रॉफी नहीं मिला, कमाल की चीज मैं बता रहा हूं, कभी नहीं मिला। बैंक में इतनी बार मैंने टारगेट अचीव किए, बड़े बड़े कारनामे किए, लेकिन कभी किसी ने मेरे को ट्रॉफी नहीं दिया। बट आरसीएम में मेरे को बोला गया कि चमचमाती हुई ट्रॉफी मिलेगी, स्टेज पे आपका सेलिब्रेशन होगा। भाई साहब, मैं क्या बताऊं, ट्रॉफी लेने की मेरे अंदर इतनी भूख पैदा हुई, इतनी भूख पैदा हुई कि मेरे दिमाग में समस्या नजर नहीं आई। उस ट्रॉफी को लेने के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया। मैंने अपने अप्लाई से ये नहीं पूछा कि सर कमीशन कितना बने, रॉयल्टी करूंगा, नो, नॉट एट ऑल। मुझे ट्रॉफी की भूख थी। आज आपके पास भी वही मौका है। आप सोचिए जरा सा गहराई से, आपको ट्रॉफी कहां मिलने की बात हो रही है, सेलिब्रेशन कहां करने की बात हो रही है। आपका सेलिब्रेशन इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा। आप सोचिए, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि 25,000 लोगों के बीच में पूरा हिंदुस्तान आपको देखेगा, पूरा हिंदुस्तान आपके लिए तालियां बजाएगा, सारे को लीडर तालियां एक साथ बजाएंगे। मेरे को अगर ये बताया गया होता ना, तो उस जमाने में पता नहीं मैं क्या कर डालता, 6 महीना समय नहीं लगाता। तो मौका है, अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा कर सकते हैं आप, क्योंकि ये मौका सिर्फ और सिर्फ सितंबर के लिए है। ये आप अक्टूबर में आपको नहीं मिलने वाला, नवंबर में नहीं मिलने वाला, दिसंबर में नहीं मिलने वाला, जनवरी में नहीं मिलने वाला, मार्च में नहीं मिलने वाला, अप्रैल में नहीं मिलने वाला, मई में नहीं मिलने वाला। मिलेगा, लोकल स्तर पर मिलेगा। अब वाराणसी में कोई रॉयल्टी करेगा तो मैं, लोकल स्तर पर प्रोग्राम होता है उसमें सेलिब्रेट करते हैं ट्रॉफी, बट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम। मुझे आज भी याद है जब मैंने एमराल्ड किया था तो पटना श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में मेरा सेलिब्रेशन हुआ था। परम आदरणीय सुरेंद्र बोस जी के हाथों से मुझे ट्रॉफी दी गई थी और मेरे बाबूजी और मेरी माँ उस प्रोग्राम में स्टेज पर आए थे। और पता है बाबूजी ने मेरे को क्या बोला? बोला, बेटा श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में मैं पहले भी एक बार आया। मैंने कहा, आए थे बाबूजी? बोले, हाँ बिल्कुल आया था। अच्छा, स्टेज पर आए थे? बोले, नहीं, सबसे पीछे खड़ा होकर ताली बजा रहा था। और उस दिन मेरे दिमाग में एक बात आई थी बेटा। मैंने कहा, क्या आया था बाबूजी? बोले, मेरे दिमाग में एक बात आई थी कि इस स्टेज पे कभी मैं जा पाऊंगा, लेकिन मैं तो सपनों में नहीं सोचा था कि इस स्टेज पर आज मैं अपने बेटे की वजह से खड़ा होऊंगा। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। तो उस दिन मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था। मुझे लगा था कि मैंने अपने बाबूजी के बहुत पुराने सपनों को मैंने साकार किया, मेरी वजह से बाबूजी स्टेज पे आए, उनका सम्मान हुआ। तो कहां कहां सम्मान मिलेगा, किस किस हाथों से ट्रॉफी मिलेगी, कितने प्लेटफॉर्म पे, मतलब कहते ना कि बरसात हो जाती है यहाँ पे, सेलिब्रेशन इतना बड़ा होता है। बीसी सर बोलते हैं ना, सेलिब्रेशन लाइफ में, सेलिब्रिटी क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं अपनी लाइफ को, वो हर जगह सेलिब्रेट, उनका सेलिब्रेशन किया जाता है।
तो आरसीएम बिजनेस में आपको सेलिब्रिटी बनने का मौका है ये, एक दिन के लिए ही सही, लेकिन जब वो फील करेंगे ना इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में, तो वो फीलिंग आपको कहां कहां और किस लेवल पे लेके जाएगा, फिर आपके अंदर क्या आएगा कि यार हर दिन, आज देखो मैं आजमगढ़ में मीटिंग करके आ रहा हूं, क्या हुआ वहां, सेलिब्रेशन, हर दिन होता है सेलिब्रेशन। कल मेरी मुगलसराय में मीटिंग थी, वहां सेलिब्रेशन है। अभी आज कल फिर मेरी रॉबर्ट्सगंज में मीटिंग है, वहां सेलिब्रेशन है। हर दिन सेलिब्रेशन होता है। क्या होता है सेलिब्रेशन, सबको पता है क्या होता है, आरसीएम सेलिब्रिटी बना देता है। लेकिन ये सेलिब्रिटी बनने के लिए आग तो लगानी पड़ेगी अपने अंदर। शुरुआत तो रॉयल्टी से ही होती है, रॉयल्टी के नीचे का जो भी लेवल है ना, वहां से आपकी शुरुआत नहीं होगी। तो मौका है, अवसर है, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए। लास्ट में मैं एक छोटा सा आपसे एक्सरसाइज करवाऊंगा, द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। मुझे आज भी याद है कि बीसी सर विजुअलाइज करवाते थे हम लोगों को, बोलते थे बेटा तुम लोग आंखें बंद कर लो, हम लोग आंखें बंद कर लेते थे। और आज मैं आप लोगों से भी यही कहूंगा कि आप लोग दो मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए, जितने भी लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। सभी लोग आधे मिनट के लिए आंखें बंद करके सोचिए, सोचिए कि आपने इस मंथ में रॉयल्टी कर दिया। फील करिए, कोशिश कीजिए सोचने की कि आपने डन कर दिया। आपका पोस्टर वायरल हो रहा है, सारे ग्रुप पे आपकी तस्वीर वायरल हो रही है, आपका नाम लिखा हुआ है, आपका लेवल लिखा हुआ है, आपने गोल्ड कर दिया, स्टार गोल्ड कर दिया, प्लेटिनम कर दिया। आप विजुअलाइज करिए, देखिए, महसूस कीजिए कि चारों तरफ से बधाइयां आपको मिल रही है। व्हाट्सएप पे, फोन पे कॉल्स आ रहे हैं, आपके सीनियर्स के कॉल आ रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, चारों तरफ से बधाइयां आ रही है। आपके रिलेटिव्स आपको बधाई दे रहे हैं, आपके दोस्त आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, पूरा का पूरा वो आपका पोस्टर वायरल हो चुका है। आप देखिए कि आपको दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में आप स्टेज पे हैं, वो नजारा देखिए, चारों तरफ से 25,000 लोग अपने मोबाइल का लाइट्स ऑन करके, 25,000 लोग आपकी तरफ लाइट्स ऑन करके वो आपको दिखा रहे हैं, आपको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, चारों तरफ से लाइट्स कैमरा आपकी तरफ है। उस माहौल को देखिए, देखिए कि आपके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश हो रही है। देखिए उस माहौल को, उस हॉल को देखिए, देखिए अपनी फैमिली मेंबर को, आपकी पत्नी, आपके बच्चे कितने खुश हो रहे हैं, आपकी टीम कितनी खुश हो रही है। देखिए उस चमचमाती हुई ट्रॉफी को जो आपको मिलने वाला है, आप विजुअलाइज करिए उस हॉल को, विजुअलाइज करिए उस माहौल को, विजुअलाइज करिए। सारे लोग सीटियां बजा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उस नजारे को अपने आंखों से देखिए, महसूस कीजिए, और अब धीरे धीरे आंखें खोल दीजिए। कैसा लगा, दिखा दो यार, अंगूठा दिखा दो, बोलने की जरूरत नहीं। वाओ, चेहरे बदल गए लोगों के, भाव बदल गए, क्या बात है। कितने लोगों ने फील किया उस हॉल में, एक बार इलेक्ट्रॉनिकली हैंड रेज करें, एक बार प्लीज डिजिटली हैंड रेज करें, जितने भी लोगों ने फील किया कि मैं उस हॉल में हूं, क्या बात है। वाओ, ग्रेट 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 ग्रेट, जितने भी लोग हैं, जो भी फील कर रहे हैं, एक बार एक्साइटमेंट फील कर रहे हैं, एक बार अपने डिजिटली आप हैंड रेज करें, डिजिटली, बहुत बढ़िया, ग्रेट 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 ग्रेट। देखो जो लोग नहीं कर पा रहे ना, अंगूठा भी दिखा दो, कोई बात नहीं है। बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सुपर सुपर सुपर, यूनिक, वाओ, दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट। चलिए एक बार सभी लोग अपने अपने वापस से लोअर कर लेते हैं। ये विजुअलाइजेशन में इतनी ताकत है
कि अगर आप इसको आज से ना रोज करिए, सुबह उठ के करिए, रात में सोते समय करिए, सुबह उठने के बाद बिस्तर पे कर लीजिए, खाना खाते समय आधे सेकंड के लिए अपने दिमाग में इसको विजुअलाइज करिए, दिन में दो बार तीन बार कर लीजिए। देखो बाइक चलाते समय मत कर लेना, आंख बंद करके सतीश कुमार सर ने बोला है कहीं और चले जाओगे इंदिरा गांधी स्टेडियम के बजाय, तो मत करना मेरे दोस्त, आंखें बंद करके बाइक चलाते समय मत कर लेना। बाकी खाना खाते समय, टॉयलेट में बैठे हैं, ब्रश कर रहे हैं, दिन में 10 बार कर सकते हैं करिए, 12 बार, 15 बार, 20 बार कर सकते हैं करिए, आप करके देखो विजुअलाइजेशन। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोगों ने कारनामे किए हैं ना, ये सब के सब विजुअलाइजेशन की पावर को इनको पता है, बहुत ताकतवर चीज होती है, विजुअलाइज करिए। इफ यू कैन विजुअलाइज यू कैन एक्चुअलाइज। अगर आप किसी चीज को विजुअलाइज करने की आपके अंदर क्षमता पैदा हो गई, आप एक्चुअलाइज कर देंगे। आज आरसीएम बिजनेस में जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं ना, ये सारे के सारे इस पावर का इस्तेमाल करके आज ऊपर उठे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, गारंटी के साथ कहता हूं, आप जितने भी लीडर से बात कर लीजिए, जितने भी लोगों से बात करके पूछ लीजिए, और आरसीएम की बात तो छोड़ दीजिए, बाहर की दुनिया में भी जो भी आज मुख्यमंत्री हैं बड़े बड़े, उन सब से पूछिए, उन सब ने ही काम किया है, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। तो आप सभी लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है, विजुअलाइज करें, बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा अवसर है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना बहुत ध्यान से, मैं आभारी हूं, कृतज्ञ हूं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं।